भाजपा के वरिष्ठ नेता व द व्हाइट मेडिकल कॉलेज भदानी के चेयरमैन सुअन सलारिया ने कहा कि करीब 500 वर्ष के लंबे संघर्ष उत्पीड़न के बाद श्री राम जी की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सभी ही देशवासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सक्रियता व देशभर के हिंदुओं के सामर्थ्य से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसे देश के प्रत्येक व्यक्ति ने दीपावली की भांति मनाया है। ये न केवल धार्मिक अभिव्यक्ति का विषय है, बल्कि ये शक्ति और त्याग की भी एक अदम्य गाथा है। भव्य राम मंदिर हमारी आने वाली पीढ़ियों को सदैव स्मरण करवाता रहेगा कि प्राणों से भी ज्यादा महत्व धर्म की रक्षा का है, अन्यथा सनातन के प्राचीन प्रतीकों के पुनरुत्थान के लिए सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन देश का एक गौरवमय ऐतिहासिक दिवस बन गया है। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, के प्रभु के काम आए हैं। नमस्कार, मैं मेरे सारे देशवासियों, आज प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन पर सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। जिस घड़ी का इंतजार था वो आज खत्म हो गई, और बड़ी सच्चाई है, हम जो मर्जी बोलें जो मर्जी कहें, 5 साल बहुत लंबा समय होता है। इस इतिहास नया इतिहास बनने पर मैं मेरे प्रधानमंत्री जी, परमात्मा नरेंद्र मोदी जी, सारी सीनियर लीडरशिप बीजेपी, स्पेशली मेरे लोकसभा के मेरे साथी, मेरे भाई बहन देशवासी, इस शुभ दिन पे जब राम भगवान जी अपनी जन्मभूमि में लौट रहे हैं, इसका सबको बधाई, मुबारकबाद, बेनती आप सबसे खूब अच्छी तरह से दिन को मनाओ, क्योंकि इससे बढ़ के खुशी हिंदुस्तान में और कुछ नहीं हो सकता। आप सबको ढेर सारी बधाई एक बार फिर आज के इस प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, दुनिया की बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल एस्टेब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ। सलारिया तोड़ा प्राण तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।